नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। एलोवेरा जेल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे एक ऑलराउंडर तक माना जाता है। दरअसल ये हेल्थ, हेयर और स्किन तीनों के लिए बेनिफिशियल होता है। एलोवेरा जेल में कई जरूरी विटामिन होते हैं, साथ ही इसमें मिनरल, एंजाइम, लिग्निन, सेपोनिन और अमीनो एसिड जैसे तत्वों की भरमार होती है। एलोवेरा का खास महत्व आयुर्वेद ही नहीं एलोपैथी में भी बताया गया है। आज अधिकतर कंपनियां अपने प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल करती हैं। एलोवेरा का स्किन केयर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें करीब 95% पानी होता है। जेल फॉर्म में मिलने वाला ये इंग्रेडिएंट स्किन को हाइड्रेट रखने के अलावा उसे रिपेयर भी करता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। लेकिन इससे जुड़ी होम रेमेडीज को अपनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है कि एलोवेरा जेल लगाने के बाद चेहरे पर भूल के भी किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल हम यहाँ एलोवेरा के बाद चेहरे पर फेस वॉश के इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। लोगों में अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि फेस पर एलोवेरा को लगाने के बाद फेस वॉश का यूज करना चाहिए या नहीं। दरअसल एलोवेरा से स्किन को क्लीन किया जा सकता है और यही काम फेस वॉश भी करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप एलोवेरा जेल जैसे क्लींजर को चेहरे पर लगा रहे हैं तो तुरंत बाद फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें, इससे फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है। वैसे मार्केट में एलोवेरा जेल वाले फेस वॉश भी मिलते हैं, लेकिन उन्हें एक लंबे प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है और चेहरे के अनुकूल बनाया जाता है। इसलिए घर पे एक्सपेरिमेंट करने से बचें, क्योंकि इससे चेहरे पर दाने भी आ सकते हैं। एलोवेरा जेल से स्किन को क्लीन करके फेस वॉश को लगाने से ड्राइनेस की दिक्कत भी हो सकती है। दोनों चीजें स्किन की डीप क्लीनिंग करती हैं, लेकिन साथ में चेहरे पर लगाना हानिकारक साबित हो सकता है। एलोवेरा जेल एक नेचुरल थिंग है जिसे लगाने के बाद आपको इसे केमिकल से बनी हुई चीजों से नहीं हटाना चाहिए। एलोवेरा के इस्तेमाल के बाद चेहरे को नॉर्मल वाटर से क्लीन करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।